नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर वन और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा, और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। किसान एक बार फिर से आंदोलन की राह पर हैं। दरअसल रोहतक में संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की बैठक हुई है और इस बैठक में 40 किसान संगठन और खापों के प्रतिनिधि मौजूद रहे हैं। करीब 3 से 4 घंटे चली इस बैठक में उन 5 मांगों पर चर्चा हुई है जिसको लेकर किसानों ने अपने आंदोलन को स्थगित किया था। अब किसान नेताओं ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए 31 जनवरी को जिला स्तर पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। इसमें संयुक्त किसान मोर्चा ने चुनाव में बीजेपी के विरोध का भी फैसला किया है। तो बड़ी बहस में सबसे पहले आपको किसान प्रतिनिधियों की प्रतिक्रियाओं को सुनवाते हैं। सरकार ने जो एसकेएम से समझौता किया, 15 जनवरी को एसकेएम की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ये फैसला किया गया कि 31 जनवरी को हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे रोज प्रदर्शन किए जाएंगे। ये सरकार ने हमारे साथ जो वादा किया था, सभी जो केस बने हैं हरियाणा में वापस लेंगे। साथ में वादा किया था भाई फसल खरीद गारंटी कानून बनाएंगे, उसकी कमेटी बनेगी, वो कमेटी में 5 किसान होंगे और दूसरे सरकार के आदमी होंगे। अभी तक वो कमेटी नहीं बनाई गई। केस वापसी पे सरकार ने कोई काम शुरू नहीं किया। जो राजनीति में चले गए वो संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा में कोई भी नहीं आएगा अगर नाम जरूर नहीं किया। जो पंजाब के भी जो संगठन राजनीति में चले गए वो किसान मोर्चा में नहीं आएंगे। किसान मोर्चा और राजनीति दो अलग अलग। चलिए अब आपको ग्राफिक के जरिए बता देते हैं आंदोलन कब शुरू हुआ, कितने दिन चला और किन मांगों पर जो बात है या जो सहमति है वो बनी है। ग्राफिक के जरिए आप समझ लें, 26 नवंबर 2020 को आंदोलन की शुरुआत हुई है। किसान आंदोलन 26 नवंबर 2020 को शुरू हुआ, 9 दिसंबर 2021 को किसान आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। करीब 378 दिन तक किसान आंदोलन चला है। फिर 11 दिसंबर को बॉर्डर से किसानों ने घर वापसी की है, यानी कि 11 दिसंबर को किसानों ने आंदोलन को स्थगित किया। लेकिन आंदोलन स्थगित क्यों हुआ यह भी आप समझिए, क्योंकि एमएसपी पर कमेटी बनाने का आश्वासन केंद्र सरकार ने दिया, यह भी आश्वासन मिला कि किसानों पर जो केस दर्ज हैं वो वापस किए जाएंगे। आश्वासन यह भी था कि पंजाब की तर्ज पर 5 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा। तो बिजली बिल किसानों पर असर डालने वाले प्रावधानों पर चर्चा होगी, ये मांग किसानों की थी। इसमें पराली क्रिमिनल लाइबिलिटी से किसानों को मुक्त किया जाएगा। तो किसानों की मांग, एमएसपी पर कमेटी बनाई जाए। किसान कह रहे हैं केस वापसी, सरकार ने कहा केस वापस होंगे। किसान ने कहा मुआवजा मिलना चाहिए, सरकार ने यह कहा कि हम 5 लाख तक का मुआवजा देंगे। बिजली बिल को लेकर कहा कि हम प्रावधानों पर चर्चा करेंगे। फिर पराली का मुद्दा किसानों ने उठाया, क्रिमिनल लाइबिलिटी से किसानों को राहत देंगे, सरकार ने इस बात को भी माना। तो ये डिमांड्स किसानों की थी, जिन मांग को लेकर के किसान कृषि कानून की वापसी के बाद भी सीमाओं पर डटे हुए थे। तो उसके बाद ये जो अहम विषय थे उस पर सहमति बनी और उसके बाद किसानों ने अपने आंदोलन को स्थगित करते हुए अपने घरों का रुख किया। लेकिन अब एक बार किसान फिर से ये कह रहे हैं कि चूंकि अब 31 जनवरी आ चुकी है और किसानों की ये जो डिमांड्स थी उस पर किसी पर भी काम नहीं किया गया, ना तो एमएसपी को लेकर के कमेटी बनाने की बात थी वो कमेटी बनी, ना ही जो किसानों पे दर्ज मुकदमे थे उन मुकदमों को वापस लिया गया। और इसलिए सरकार वादा खिलाफी कर रही है और अब किसान एक बार फिर से सभी जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा ने 31 जनवरी को जिला स्तर पर प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। तो संयुक्त किसान मोर्चा से निकले कई संगठन के प्रतिनिधि पंजाब चुनाव में अपनी किस्मत को भी आजमा रहे हैं। लेकिन अब भारतीय किसान यूनियन मान गुट ने ऐसे नेताओं के विरोध का भी ऐलान किया है और बाकायदा पंजाब में जाकर के उनके विरोध की रणनीति बनाई जा रही है। जो किसानों की लाशों पे राजनीति करने वाले हैं, अपने आप को राजनीति करने वाले हैं, गुरनाम सिंह चुडूनी और राजेवाल, उन सीटों पर उनका डट के विरोध करेंगे, क्योंकि वो किसानों को गुमराह करके किसानों की 750 किसानों की हत्या के दोषी हैं। इसलिए हम किसानों को कहेंगे कि इनका मसला शुरू से ही राजनीतिक था और उसका हम जोरदार विरोध करने के लिए पूरी हमारी पंजाब की टीम भी है, हमारे साथी भी हैं,
हरियाणा से भी जाएंगे और वहां इन लोगों का जोरदार विरोध करेंगे। तथाकथित किसान नेता है, इन्होंने दिल्ली को बंधक बनाया, लाल किले का अपमान किया और इन्होंने हरियाणा पंजाब में पॉलिटिकल पार्टियों को घुसने नहीं दिया। अब तो ये खुद भी पॉलिटिकल आदमी हो गए हैं और हरियाणा पंजाब के किसानों से हमारा निवेदन है कि इनकी गांव में नहीं घुसने दें। जो इनका फार्मूला था उसी फार्मूले को, क्योंकि किसान मुद्दे को छोड़कर अब ये विधानसभा और लोकसभा में जा रहे हैं, इनका डटकर विरोध करें। हम आपके साथ हैं और वहां कुछ हमारे गैर राजनीतिक संगठन है उग्र वगैरह, हम उनसे भी मिलेंगे उनके साथ मिलके, क्योंकि ये कर्जा माफी को भूल गए, MSP को भूल गए, किसानों को मुद्दों को भूल गए। ये सिर्फ पॉलिटिकल आदमियों के एजेंट है और लुटेरों के एजेंट है, मंडी के लुटेरों के एजेंट, ये खुद आड़ती और सूदखोर है, इनका डटकर विरोध करें, ये किसान विरोध। तो अब बड़ी बहस में आगे बढ़ने से पहले आज की बड़ी बहस के कुछ अहम सवाल, उस पर भी नजर डालते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। आज की बड़ी बहस का पहला सवाल यह है कि क्या फिर से आंदोलन की राह पर किसान जा रहे हैं। सवाल आज की बड़ी बहस का दूसरा यह है कि 49 दिन के बाद भी किसानों की मांग को लेकर के अभी तक क्या हुआ है, और चुनाव को लेकर के आखिर किसान संगठन क्यों बटे हुए हैं, ये भी सवाल उतना ही महत्वपूर्ण है। और इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। विजय नेहरा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। विजय नेहरा जी बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बजरंग दास गर्ग जी आपका भी स्वागत। विजेंद्र रेडू हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं इंडियन नेशनल लोकदल के। विजेंद्र रेडू जी आपका भी स्वागत है। वीरेंद्र हुड्डा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हरियाणा, आपका भी बहुत स्वागत है वीरेंद्र हुड्डा जी। और प्रवीण मथाना हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महासचिव हैं भारतीय किसान यूनियन मानगुट की तरफ से। प्रवीण मथाना जी आपका भी स्वागत है। वीरेंद्र हुड्डा जी सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि 49 दिन हो गए जिन मांग को लेकर के या फिर जो डिमांड्स आपकी थी उस पर जो सहमति बनी, अभी तक आप लोग कह रहे हैं कि उस पर किसी तरीके का डिसीजन सरकार ने नहीं लिया और इसलिए 31 तारीख को आप लोग विरोध करेंगे। रणनीति क्या है आगे और किस तरह से इसको आप देखते हैं, आपका पहला रिएक्शन मैं चाहूंगा। वीरेंद्र हुड्डा जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? वीरेंद्र हुड्डा जी अनम्यूट कर लें एक बार। चलिए वीरेंद्र हुड्डा जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। विजय नेहरा जी मैं आपके पास आता हूं, 49 दिन हो गए लेकिन अभी तक किसी बात को लेकर के कोई सहमति बनी नहीं और इसलिए अब 31 तारीख से एक बार फिर से विरोध होगा, और खासतौर से जो चुनावी राज्य है वहां तो भारतीय जनता पार्टी के विरोध करने की भी बात हो रही है, आपका रिएक्शन चाहता हूं मैं इस पर। सुभेंद्र जी आवाज ठीक से आ रही है आपको मेरी? जी जी विजेंद्र जी मैं सुन रहा हूँ। देखिए सुभेंद्र जी, जहां तक शेष वापसी की बात है वो हरियाणा सरकार ने वो प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके साथ साथ सुभेंद्र जी आप जानते हैं, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस कानून के तहत ही सारा काम होगा और सरकार अपने कमिटमेंट। हेलो जी, उसके बाद में जो किसान संगठन के नेता थे उनकी सभी मांगों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने माना है, और सुभेंद्र जी हमारी जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो किसानों को समर्पित है, गरीबों को समर्पित है और किसानों के हितैषी हमारी सरकार है। इसके साथ साथ सुभेंद्र जी पूरे देश भर के अंदर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की यह पहली सरकार है जो 14 फसलों को MSP से खरीदने का काम करती है, और पिछले 3 खरीद के जो सीजन है सुभेंद्र जी उसमें हरियाणा सरकार ने 40,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट करने का काम किया है। पूरे देश में 362 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ने का सर्वाधिक भाव देने वाली सरकार अगर कोई है हरियाणा प्रदेश की सरकार है माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, और इसके साथ साथ फल व सब्जी पर लगने वाली जो मार्केट फीस थी सुभेंदु जी उसको भी हमारी सरकार ने खत्म कर दिया है, और 52 भरपाई योजना जिसके अंदर 21 तरह के फल और सब्जी शामिल है अगर वो फिक्स रेट से कम मंडी के अंदर बिकता है तो 52 भरपाई योजना के तहत जो अंतर की है। लेकिन विजेंद्र जी ये तो आप बता रहे हैं आपने किया, लेकिन जो डिमांड्स थी जिसको लेकर के आंदोलन का स्थगन हुआ उस पर क्या हुआ? आपने MSP को लेकर के जो कमेटी बनाने की बात कही थी वो कमेटी का क्या हुआ? आपने कहा जो किसान आंदोलन में जो किसान थे उनके ऊपर जो केसेस लगे उसको हम वापस लेंगे उसका क्या हुआ? ये जो प्रमुख मांगे थी उनको लेकर के जब आप लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तो किसानों के पास आपने क्या ऑप्शन छोड़ा? फिर तो वो आपका विरोध करेंगे, क्या जवाब है इसका वीरेंद्र जी? देखिए सुभेंदु जी, जहां तक आज की बैठक का विषय है, मेरे भी कुछ किसान संगठन के साथी मित्र हैं, जानकार हैं, उनसे जो जानकारी मुझे मिली कि आज वो बैठक हो नहीं पाई क्योंकि 4 या 5 लोग ही पहुंच पाए,
सर्दी के कारण वहां पे लोग गए नहीं, क्योंकि लोगों को लग भी रहा है सरकार पे, भाजपा सरकार पे लोगों को, किसानों को विश्वास है कि जो कमिटमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार और हरियाणा सरकार ने करी है वो पूरी करेंगे। लेकिन शुभेंदु जी, ये एक दिन में होने वाला काम नहीं, इसमें समय लगता है, इसलिए आज की जो बैठक रोहतक में हुई है जाट भवन के अंदर, उसमें 4 से 5 लोग मात्र पहुंच पाए, इसलिए वो बैठक आज नहीं हो पाई। और मुझे लगता है 31 तारीख की जो बात उन्होंने कही है उसमें भी बहुत ज्यादा व्यवधान आने का चांसेस ये है कि कौन सा संयुक्त किसान मोर्चा है। ये संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की बैठक थी जहां तक मुझे जानकारी है, और संयुक्त किसान मोर्चा जो देशव्यापी जो 40 किसान संगठनों को लेकर के आंदोलन कर रहा था वो अलग संयुक्त किसान मोर्चा था। और इसके साथ साथ शुभेंदु जी, इनमें से कुछ लोग राजनीतिक संगठन बन चुके हैं, अब जैसे गुरनाम सिंह चढ़ूनी है, बहुत सारे जो लोग हैं जैसे आपने भी विवरण दिया, वो राजनीतिक पार्टी बना के पंजाब चुनाव में उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई है, देखते हैं पंजाब की जनता उनको कितना सपोर्ट करती है। लेकिन जहां तक हरियाणा सरकार की बात है शुभेंदु जी, हमने केस वापसी की जो प्रक्रिया है वो चालू कर दी है, हमने 5 लाख रुपए मुआवजा देने की जो बात की थी उसको हम लोग पूरा करेंगे, और इसके साथ साथ जो एमएसपी के ऊपर कमेटी बनाने की बात भारत सरकार ने की थी उसकी प्रक्रिया भी चालू है, क्योंकि शुभेंदु जी का मैं रुख कर लेता हूं, इसमें थोड़ा समय लगेगा, वीरेन जी आवाज मिल रही है आपको, वीरेन हुड्डा जी? हाँ जी, हाँ जी। वीरेन जी, सरकार का पक्ष ये है कि एक तो समय लगेगा, दूसरा ये है कि जो आप लोगों की डिमांड्स थी उसको हम लोग प्रोसेस में ला रहे हैं, मतलब हम उसमें आगे दिशा में बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम उन जो आपकी डिमांड्स है उसको हम भूल चुके हैं, लेकिन आप लोगों ने 31 तारीख को विरोध की बात कही है, आपका रिएक्शन में इस पर चाहता हूँ, विजयन जी की बात का जवाब दें आप। वीरेन जी, बिल्कुल, ये सरकार ने विश्वासघात किया हमारे साथ, जब लिख के दे दिया कमेटी बना देंगे, केस वापसी एमएसपी के ऊपर कमेटी नहीं बनाई, सरकार का कितने दिन भरोसा करें हम? आज पर आदरे बैठे रहेगा ये किसान, 13 महीने तक दिल्ली बॉर्डर पे बैठे रहा, गर्मी सर्दी बारिश उसने देखी नहीं, और फिर इसे किसान के साथ फिर धोखाधड़ी। ये धोखाधड़ी शायद नहीं होगी, किसान पूरे हिंदुस्तान का किसान लामबंद हो होता जा रहा है इस एमएसपी के मामले पे, बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो। और 2011 में प्रधानमंत्री जी उस कमेटी के चेयरमैन थे, उस टाइम एक कमेटी बनाई थी, ये कह रहे थे उस टाइम तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी लागू कर रहे थे, ये बीजेपी के लोग कुर्ते कांडे डैगर दे सड़क के ऊपर, हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कराएंगे, वो भूल गए। अरे रेवाड़ी की रैली में जब प्रधानमंत्री 2014 में आए, जब भी वादा किया था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करूंगा, C2+50% का फार्मूला लागू करेंगे, कुछ नहीं किया, बातें बातें हैं, खोखली बातें, कब तक विश्वास करेगा? अन्नदाता को रोड पे ला दिया इन लोगों ने, उसको एमएसपी मिल रहा, अरे 1950 का भाव है, 940 रुपए जीरी जो है लखीमपुर खीरी में खरीदी जा रही है, कितना बड़ा अन्याय है उस किसान के साथ। ये कॉरपोरेट वर्ल्ड के लोग जो है वहां से जीरी खरीदते हैं और दूसरी जगह बेचते हैं, किसान सुदृढ़ कैसे होगा? मोदी जी ने वायदा किया था 2014 में, 2022 में किसान की आमदनी दुगनी करूंगा, कर दी दुगनी? दिखाओ ना कहीं, कर दी क्या दुगनी? कोई बता दे हमारे को। अरे सन 70 में उसके आप नौकरी वाले की वो देख लो, किसान को क्या भाव मिला है? अरे कुछ तो शर्म करो, ये सरकार कितने बड़े वायदे किए थे किसान ने, एक दो प्रोग्राम मोदी को दो बार सरकार में लेकर आया है और किसान को कुछ नहीं दिया, ठीक है, सिर्फ बातें, खोखली बातें। ठीक है वीरेन जी, आपका ये कहना है कि सरकार वायदा खिलाफी कर रही, ठीक है। प्रवीण मथाना जी आपका भी रिएक्शन मैं चाहता हूं, किस तरह से देख रहे हैं, क्या सरकार वायदा खिलाफी कर रही? और दूसरा ये कि एक सवाल यहां पर ये भी उठा कि ये जो संयुक्त किसान मोर्चा है, ये जो आज हरियाणा में जो बैठक हुई है, बाकी लोगों का क्या हुआ, और ये कौन सा मोर्चा है जो ये कह रहा है कि हम विरोध करने वाले हैं? प्रवीण मथाना जी, और जो लोग राजनीति में जा रहे हैं उस पर भी मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा। आयुष जी, बड़े दुर्भाग्य की बात है भी जो ये किसान नेता है, ये किसान नेता नहीं, ये तथा कथित किसान नेता है, ये सिर्फ किसानों की लाशों पे राजनीति करने वाले लोग हैं। बलबीर सिंह राज्यवाल और गुरनाम सिंह चढ़ूनिस का जिंदा जागता उदाहरण है। भारतीय किसान यूनियन गुटों में बटी हुई है, इस बात में कोई संशय नहीं, कोई दो राय नहीं। हम भारतीय किसान यूनियन मार्ग गुट का मैं प्रदेश महासचिव हूँ, हमने शुरू में ये बात कह दी थी भी जो ये किसान नेता जो ये दिल्ली का घेराव करके बैठे हैं, इनका अपना ही एजेंडा, किसानों से कोई सरोकार नहीं लोगों को, इनका उद्देश्य है भी हम चुनाव लड़े, कोई राज्यसभा में जाने की गोटियां फिट कर रहा था, कोई चंदा इकट्ठा करने के ऊपर लग रहा था, कोई पंजाब में मिशन पंजाब बोल रहा था, गुरनाम सिंह चढ़ूनी और बलबीर सिंह राज्यवाल जहां ये वहां मंच पे कह रहे थे हमारा तो गैर राजनीतिक संगठन है, आज ये राजनीतिक संगठन बन गया। हमारा ये कहना है
भारतीय किसान यूनियन मान गुट ने फैसला कर लिया, पंजाब और हरियाणा के ठाकुर गुणी प्रकाश के नेतृत्व में कमेटी का गठन कर दिया और मंगलवार से अमीन को हर पूरे पंजाब के 117 जो विधानसभा गया लग गया उनमें प्रचार करेंगे, इनका विरोध करेंगे और इनका काला मुंह करने का काम करेंगे, क्योंकि इन्होंने 750 किसानों की लाशों पे राजनीति करने की जो इसकी साजिश है उसको उसका पर्दाफाश करेंगे बड़े बड़े किसानों पे, और इनका मुंह काला हम करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से हमारा खुला चैलेंज है। नहीं ठीक है प्रवीण जी, आप वो करिए भाई जो राजनीति कर रहे हैं, ठीक है आपको उनका जो विरोध करना है वो करिए, लेकिन मुझे बताइए जो डिमांड्स हैं या जो संयुक्त किसान मोर्चा या जो किसान जो मांग कर रहा है कम से कम उसके पक्ष में तो आप हैं, और अगर उसके पक्ष पे आप हैं तो आपको लग रहा है कि सरकार उसमें कहीं वादा खिलाफी कर रही है, एमएसपी को लेकर के कमेटी नहीं बना रही है या जो मुकदमे दर्ज हुए आंदोलन के दौरान उस पर अपना रुख स्पष्ट नहीं कर रही है? नहीं हमारा ये तो स्पष्ट है, बड़े बड़े किसानों के ऊपर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो वापिस होने चाहिए, हमारी सरकार से ये मांग है। लेकिन इसके साथ ही ये जो गुरनाम सिंह चुडुनी राज्य वाले और जो संयुक्त किसान मोर्चा है ये राकेश टिकैत और इनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने लोगों को गुमराह करके ऐसा षड्यंत्र रचा, किसानों की समझ में नहीं आया, क्योंकि जो 3 कृषि कानून थे वो किसानों की आजादी का रास्ता खोलने वाले कानून थे, इसमें फसल बेचने की आजादी थी, इसमें हम अपनी कहीं भी मंडी से बाहर अपनी फसल बेच सकते थे, कहीं भी बिचौलिए से हम बचने के लिए एक रास्ता खुला था। लेकिन इन लोगों ने जहां कर्जा माफी की बात छोड़ दी, जहां इन्होंने दूसरी बातें थी जो अपना किसानों की और फसलें ट्यूबवेल कनेक्शन थे, कर्जा माफी थी, बाकी बहुत मुद्दे थे किसानों के, वो सारी बातें छोड़ के एक ही बात पे रुक गए। 13 महीने अब वहां बैठे रहे, 750 किसान शहीद हो गए, प्राप्त क्या किया इन दिनों में इन्होंने, क्या लेके उठे वहां से? ठीक है चलिए बजरंग दास गर्ग जी, सरकार ने जो वायदे किसानों से किए हैं वो सरकार को पूरे करने चाहिए। बातें 3 थी, एक तो एमएसपी का गारंटी कानून बनाने की जिसके लिए कमेटी बनानी, अभी तक कमेटी नहीं बनी। दूसरी थी जो केस किसान आंदोलन के समय में जो किसानों पर केस हुए वो केस वापिस होने चाहिए थी, वो केस वापिस नहीं हुए। तीसरा मुआवजे की बात थी, वो भी आज तक किसी को 1 रुपया मुआवजा नहीं मिला। तीनों बात पेंडिंग पड़ी है, जिसके कारण ये होती है हर किसान के अंदर, हर किसान के अंदर मतलब नाराजगी है। खास तौर पर जो किसान आंदोलन हुआ जिसके 750 किसान लगभग शहीद हो चुके, 750 किसान शहीद हुए, किसान सरकार ने आज तक उन किसान परिवार की सूद तक नहीं ली, यहां तक कि सरकार ने किसानों को मतलब किसानों से बातचीत कर समस्या का समाधान करने के बजाय उनको उकसाने में लगी रही। ये आपके सामने है, कभी तो टुकड़े टुकड़े गैंग कह दिया, कभी कह दिया आतंकवादी है, कभी कह दिया खालिस्तानी है। अरे सरकार जो उनको सोचना जी, किसान देश का अन्नदाता है, देश की जनता का पेट भरता है, किसान का बेटा ही देश की सीमाओं पर देश की रक्षा कर रहे हैं। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी और हमारे खट्टर साहब मुख्यमंत्री जी कह रहे थे भी किसान आंदोलन पवित्र आंदोलन है, दूसरी तरफ उनको उकसाया जा रहा था। मैं पूछना चाहता हूं, अगर सरकार ने ये 3 कृषि कानून रद्द करने थे, पहला वो तो बिना किसान संगठनों से सलाह करके लाए क्यों? ना इन्होंने किसान संगठनों से बात की, ना आढ़ती संगठनों से बात की, ना मजदूर संगठन से बात की, अपनी मर्जी से तो ले आए और अपनी मर्जी से ही ये कह दिया कि 3 कृषि कानून रद्द, हमसे गलती होगी, हम माफी मांग रहे हैं। ऐसे ऐसे कोई देश थोड़ी चलता है, अपनी मर्जी से आप लागू कर दो, अपनी मर्जी से आप हटा दो। अगर आपने लागू कर दिया, आपने हटाना था तो आप तो हटा देते, 750 किसान मरते ही नहीं, ये इतना बड़ा आंदोलन चलता ही नहीं, इतना लंबा आंदोलन चला, वो सरकार की गलती कहां चला? अरे एक तरफ कहती सरकार, मैंने कल गृह मंत्री जी बयान सुना कि हम तो जाटों के तेजी है, हमारा पारिवारिक संबंध है, और उत्तम किसान कहां चला गया था? जिस टाइम पंजाब हरियाणा से दिल्ली जाना था, अपने पानी की बिछोड़े फेंकी, उनको लाठी चार्ज की, झूठे मुकदमे दर्ज किए, उत्तम किसान कहां गया? उसे आपने किसान नहीं दिखा? उत्तम तो आपने दबा दब रगड़ दिए,
कितने आदमी के हाथ टूट गए, किसी के पैर टूट गए, हमारी माताएं बहने हमारे बच्चे तो सड़कों पे रहे। ये एक सोचने की बात है, ये भी सरकार को चेतना चाहिए। अच्छा एक बात और है, कई चीज में प्रोसेस में लेट हो जाता है, मुआवजा देने में लेटिंग हो सकती है क्या? मुआवजा तो सरकार एक घंटा में दे रहे, कौन रोक सकता है? एक घंटा मुआवजा दे सकती है। जहां प्लीज एक मामला और है, एक केस विड्रा करना है, केस विड्रा सरकार ने करना है, सरकार चाहे 12 घंटे के अंदर केस विड्रा कर ले। हाँ यह मान सकता हूँ MSP कानून बनाने में कमेटी बनानी है, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। उसका जवाब मैं विजेंद्र से ले लूंगा, लेकिन विजेंद्र रेडू जी आपसे भी मैं एक रिएक्शन चाहता हूँ। हाँ सुहेंदु जी, देखिए लगभग 13 महीने के लंबे संघर्ष के बाद सरकार ने किसानों की बातें मानी, जिसमें मुख्य रूप से 5 शर्तें किसानों ने रखी थी, और सरकार ने बिल्कुल लिखित में दिया, बार बार उसके ऊपर ये कहा गया कि लिखित में देंगे तभी आंदोलन को समाप्त करने की बात की जाएगी। आखिर में अंत में सरकार ने लिखित में देने का भी काम किया, जिसके उपरांत किसानों ने अपना आंदोलन को समाप्त किया और अपने घर चले गए। शुभेंदु जी मैं ये जानना चाहता हूँ आपके इस लोकप्रिय चैनल के माध्यम से कि जब स्वयं प्रधानमंत्री ने घोषणा की और केंद्र सरकार ने उन बातों को माना और सारे आश्वासन दिए हैं, तो क्या यही लोकतंत्र है? लोकतंत्र वर्सेस सरकार, सरकार वर्सेस जनता। मैं ये जानना चाहता हूं यदि देश के प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के ऊपर भी संशय पैदा हो जाता है, यदि सरकारों के द्वारा लिखित में देने के बावजूद भी वो बातें मानने से पीछे हटा जाता है, तो क्या ऐसे ही लोकतंत्र चलता है? इन बातों का कितना आगे दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, क्या सरकार इसके ऊपर सोच रही है? तो मैं तो स्पष्ट रूप से, और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी स्पष्ट रूप से इस बात को कहती है कि किसानों के साथ एक सोची समझी चाल के तहत, एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत धोखा करके इनको बोर्डों से उठाने का काम किया। अगर सरकार की नीयत साफ है, आपके चैनल को पूरा हिंदुस्तान सुन रहा और पूरे हिंदुस्तान को भी इनेलो इस बात को सुनाना चाहती है कि अगर सरकार की नीयत साफ थी तो क्या आज तक मुआवजा नहीं दिया जा सकता था? अगर सरकार की नीयत साफ थी क्या मुकदमे वापस नहीं लिए जा सकते थे? क्या MSP के लिए कमेटी का गठन नहीं किया जा सकता था? सब कुछ किया जा सकता था, लेकिन सरकार की आज भी कहीं ना कहीं नीयत में खौफ है। सरकार चाहती है किसान एक बार उठ करके चले गए हैं, दोबारा शायद इस प्रकार से आंदोलन को खड़ा ना कर पाएंगे और इनको जो ना गुमराह करके ऐसे ही रखने का काम किया जाए, जो कि न केवल किसानों के अहित में है, न केवल देश के हित में, बल्कि एक स्वच्छ स्वस्थ लोकतंत्र के भी हित में नहीं है। सरकार को ऐसी नियतों को छोड़ना चाहिए। अब मैं सुन रहा था आपने मान गुट के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि 13 महीनों तक आंदोलन चलाया, किसानों ने क्या प्राप्त कर? हाँ किसानों ने सरकार के ऊपर विश्वास किया, सरकार के सामने फिर भी किसानों ने सरकार को बड़ा मानते हुए उसके ऊपर विश्वास किया। अगर सरकार धोखा दे तो सरकार क्या करेगी? क्यों किसानों को धोखा दिया गया? क्यों नहीं किसान अपनी कहेगी बातों के ऊपर सरकार अमल ला रही है, क्यों नहीं अमल कर रही है? ये बहुत गंभीर क्वेश्चन है जिनका जवाब आज देश चाहता है, इनको जवाब देना चाहिए। विजेंद्र नेहरा जी से इसका जवाब ले लेता हूँ। नेहरा जी जवाब दीजिए। जी इसमें शुभेंदु जी बड़ी अच्छी बात हमारे बड़े भाई विजेंद्र रेडू जी ने की है, लेकिन थोड़ा सा विजेंद्र जी अगर ये भी बता दें कि जो कंडेला कांड के अंदर इन्होंने किसानों पे गोली चलवाई थी, आप आंदोलन की बात की थी, आप कभी तो अपनी बढ़ाइयां गिनाने लग जाते हो, आप MSP गिनाते हो, आप भावांतर योजना गिनाते हो, आप पता नहीं क्या क्या गिनाते, क्या मतलब है इसका? किसान आंदोलन के किसानों के साथ जो समझौता हुआ, उस समझौते को इम्प्लीमेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये बताइए। ठीक है विजेंद्र नेहरा जी जवाब दीजिए। तो इनको इनको इसका जवाब देना चाहिए। दूसरा कंडेला कांड के आपने जिन लोगों को मरवाया था उनसे आज भी मुकदमे वापस क्यों नहीं, इसका जवाब देना चाहिए। दूसरा कांग्रेस का मैं दूंगा, मेरा जवाब लेना इसके ऊपर, मैं ही दूंगा जवाब, मैं ही जवाब दूंगा। और 2014 में जब सरकार आई थी हमारी सुभेंदु जी, शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट आई थी, जिस जो रिपोर्ट ये कहती थी कि देश के अंदर मात्र 6% फसलों को MSP पे खरीदने का काम किया जाता है इनकी सरकार कांग्रेस सरकार के द्वारा, और देश भर के 4 लाख से अधिक किसानों ने आत्महत्या की कांग्रेस शासनकाल में, उसका जन्म किसके ऊपर है? उसका दोषी कौन है? उसका वीरेंद्र भाई क्यों झूठे आंकड़े पेश करते हो? सही आंकड़े पेश करे करो, झूठ बोलना आपकी फितरत हो गई क्या? क्यों आप लोगों को गुमराह कर रहे हो? किसान बताओ
इससे हमारे राज के अंदर किसान आंदोलन हुआ क्या? आपके राज में रोज आंदोलन, किसान भी आंदोलन, व्यापारी भी आंदोलन, कर्मचारी भी आंदोलन। आप झूठी बात, झूठी बात टीवी पर बोल रहे हो, जनता सुन रही है। उनको बहुत सारे लोगों का जवाब देना ना, इतने सारे सवाल हैं उनके, थोड़ा उनको समय दीजिए, मैं आप लोगों के पास आता हूँ। पहले नेहरा जी, बकरम जी देखिए, सुरेंद्र जी, स्वामीनाथन जी ने स्वयं भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करने का काम किया कि अगर मेरी रिपोर्टों को, अगर मेरे सुझावों को सही मायने में किसी ने लागू किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो नरेंद्र मोदी की सरकार है। इसके साथ साथ पंजाब में आज कांग्रेस सरकार है। मैं बजरंग जी से पूछना चाहूंगा, आप फसल खराब हो जाती है मुआवजा देते हैं 8,000 रुपए और हम देते हैं मुआवजा 12,000 रुपए। डीएपी के ऊपर पंजाब का मुकाबला करते हो आप? पंजाब का मुकाबला कर सकते हो? 5,00,000 रुपए सबसे पहले मुआवजा, आर्थिक सहायता पंजाब ने दी, आपने चमंदी दी क्या? किसान मरवा दिया आपने, है ये सारी गलती आपकी है। लाठिया चार्ज आप कर रहे हो, आंसू गैस के गोले आप डाल रहे हो, झूठे मुकदमे आप दर्ज कर रहे हो, एक चमंडी तक आपने दी नहीं है, है? और आप बात करते हो पंजाब की, पंजाब ने सबसे पहले 5,00,000 रुपए किसानों को मुआवजा दिया, ठीक है? आपने ठंडी तक दी नहीं है, ठीक है? ठीक है, बात करते हो। अरे अब नेहरा जी का समय उनको बोल रहे थे, फिर घर साहब आप अपने समय में बोलिएगा ना, मैं आपको समय दूंगा, अपने समय में बोलिएगा ना। बताइएगा ये पंजाब से तुलना कर रहे हैं तो आपने क्या किया? लेकिन अभी ठीक है भाई, ठीक है, वो झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं उसका पर्दाफाश आप कर दीजिएगा, लेकिन मैं समय दूंगा तब। अभी नहीं, अभी नहीं, देखिए चर्चा डिस्टर्ब होती कोई फायदा नहीं है ना। आप भी बोल रहे हैं, नेहरा जी भी बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन क्या कह रहा है। पहले नेहरा जी की बात कंप्लीट होने देख भाई। सर मेरी बात छोटी सी बात और कर रहा हूँ, 30 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूँ। घर साहब, आपके पंजाब के कांग्रेस के अध्यक्ष यशस्वी अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू जी, उनकी बात मान लीजिए, वो हरियाणा सरकार की तारीफ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हरियाणा के अंदर दाम ज्यादा मिल रहे हैं, वो कह रहे हैं हरियाणा के अंदर फसलों की खरीद ज्यादा हो रही है। आप व्यापार जी ने हरियाणा बर्बाद कर दिया, कहा सुन रहे हो? चलिए नेहरा साहब, देखिए आज के इशू पर आते हैं, ठीक है? अब आप पंजाब से तुलना करने से उसका कोई हल नहीं है। मुझे बताइए ना, जो 3 डिमांड्स थी जिस पर ये किसान आंदोलन स्थगित हुआ, सवाल उसी को लेकर के है कि एक तो आपने मुआवजे को लेकर अभी क्या किया है, दूसरा जो कमेटी बनाने की बात थी उस पर क्या हुआ, और जो केसेस थे उसको आप वापसी की प्रक्रिया में कहां तक पहुंचे? ये 3 बातें इस पर मैं चाह रहा हूं कि आप जवाब दीजिए। मैंने शुभेंदु जी शुरुआत करने के साथ ही आपको बता दिया, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत सम्मानित चैनल है आपका, कि सरकार जो भी मांगे हमने माननीय सबको पूरा करेंगे, लेकिन कानून के तहत होगा, एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है, उसमें सुरेंद्र जी पूरा टाइम लगता है। और हमने किसानों से 5 लाख मांग लिए, आपकी जानकारी के लिए सुरेंद्र जी आपको पता होगा कि जो हम कमेटी बनाएंगे एमएसपी के ऊपर, उसमें 5 नाम जो संयुक्त किसान मोर्चे से हमने मांगे, उसमें कृषि से जुड़े वैज्ञानिक भी रहेंगे भारत सरकार और हरियाणा सरकार के, उसमें राज्य सरकारों के कर्मचारी भी रहेंगे जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए, उस कमेटी पे हमने काम शुरू कर दिया है। चलिए नेहरा जी, चलिए मैं मानता हूँ कमेटी बनाने में आपको हो सकता है, देखिए गर्ग साहब ने भी बात कही थी कि कमेटी बनाने में हो सकता है कि उसमें पेचीदगियां हैं, उसमें समय लग सकता है, मुआवजा देने में क्यों उतना समय लग रहा है? भाई मुआवजा तो दीजिए किसी विषय पर तो बढ़िया, 49 दिन हो गए, 49 दिन में किसी एक भी मांग पर आप अभी पहुंचे नहीं है जो आप ये कहें कि आपने मान ली है या आपने उसको पूरा कर दिया है। बहुत जल्दी हम आगे बढ़ेंगे, प्रक्रिया चली हुई है क्योंकि ये अध्ययन का विषय है, सारी चीजों को देखा जा रहा है और हरियाणा सरकार ने पुलिस को डायरेक्शन दे दिया है कि जितने भी लोग इस आंदोलन के दौरान शहीद हुए हैं या जिन पर मुकदमे दर्ज हुए हैं उनकी वो फाइल को अच्छी तरह से देखें और उनका एक पूरा समरी बनाकर चलिए हम आगे। वीरेंद्र हुड्डा जी, विजेंद्र नेहरा कह रहे हैं या सरकार बार बार ये कह रही है कि आपकी मांग को हम मान चुके हैं और उस पर हम काम कर रहे हैं, फिर भी आप लोग को ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार आपकी बात को नहीं मानेगी? हिमांशु जी, आप ये देखिए, अगर सरकार की नीति और नीयत ठीक हो तो 10 मिनट में पार्लियामेंट में पास करा दिए इन कानून, और 10 मिनट में ऑर्डिनेंस ला गया, एक फोटो है किसानों को थोप दिए, सरकार की नीयत साफ होता सारे काम हो जाए, सरकार की नीयत साफ किसान को तो ऐसे ही रगड़ा चढ़ा सकती है। ये 13 महीने तो दे दिए, एक बार तो उठा दिए आश्वासन देकर इन लोगों को, अब ये चाहते हैं ये किसान दोबारा नहीं उठ पाएगा। अरे दोबारा ये 30 साल से चल रहा है, हमारे लिए फांसी डाली थी किसान की, वो फांसी लकड़ी है एमएसपी का, तो हमारा 30 साल से संघर्ष चल रहा है। सुरेंद्र जी, और राजनीति करने वाले लोग बचे हैं खाली जो राजनीति कर रहे हैं? 4 से 5 लोग इनकी बैठक में पहुंचते हैं आज, बताइए रोहतक के अंदर, मुझे फोटो दिखा दीजिए एक भी। चलिए ठीक है वीरेंद्र हुड्डा जी, ये भी आरोप लग रहा हो, प्रवीण मथाना जी ने भी यही बात कही कि आप लोग तो खाली राजनीति कर रहे हैं इस विषय को लेकर के, किसानों के हित की चिंता है कहां? आधे से ज्यादा लोग पॉलिटिक्स में चले गए। कहेंगे ये कहेंगे सरकार के आदमी है, सरकारी आदमी है ये,
अरे हमने 13 महीने बहुत भुगता है, हमारे को उग्रवादी आतंकवादी मवाली तक कह डाला किसान को। वो किसान एक बेटा देश की सीमा पर रक्षा करता है देश, एक बेटा धरती माँ सीना चीर के 140 करोड़ लोगों का पेट भरता है, लेकिन ये कुछ सरकार के खरीदे और लोग हैं जो बोल लाग रहे हैं सरकार के पक्ष में, सरकार ने खरीद रखे हैं, किसान नहीं खरीद रखा, ये कुछ बेकाऊ आदमी है ये बोल रहे भाषा। नहीं हुड्डा जी, लेकिन भाई आप देखिए, अब अगर गुरनाम सिंह चंदूनी लड़ रहे हैं चुनाव तो उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या करे, वो तो चुनाव लड़ने लगे, अभी कल तक आप लोगों के साथ थे, किसानों की बात कर रहे थे, मौका तो दे दिया ना आप लोगों ने। अरे हमने कहा दे दिया, मर्जी है ये सब का राइट है, कोई जाओ चुनाव में, हमने तो 4 महीने के लिए बाहर कर दिया किसान मोर्चे से। सरकार के आदमी आप लोग, इसलिए जानबूझ करके विरोध कर रहे हैं, आप लोगों को भी किसान की कोई चिंता नहीं क्योंकि पॉलिटिक्स हर जगह है। मथाना जी जवाब दीजिए। भाई साहब मैं आपको एक सबसे पहले एक बात बता देना चाहता हूँ, इस राज में 3 मुकदमे मेरे पे और सबसे ज्यादा मुकदमे किसान आंदोलन में मान गुट पे है हरियाणा सरकार में। आप ये रिकॉर्ड की चीज है, मेरे कहने की बात नहीं है। दूसरी बात जो मैं भाई साहब कह रहे हैं हुड्डा जी, भाई उनको राइट है, फंडामेंटल राइट है, कोई राइट नहीं। जब भारतीय किसान यूनियन का गठन होया, सबसे पहले भारतीय किसान यूनियन का संविधान बनया और उसमें एक बात स्पष्ट है भी, ये गैर राजनीतिक संगठन है, कोई व्यक्ति पदाधिकारी इस संगठन में रहते हुए चुनाव नहीं लड़ सकता, चुनाव में भागीदारी नहीं ले सकता, किसी का समर्थन नहीं कर सकता। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, ये स्वयं अपने निजी के स्वार्थों को पूर्ति करने के लिए, पहले तो ये छोटे मोटे अपने लड़कों को कहीं एडजस्ट करवाने के लिए समर्थन करते थे ये ऐसे लोग, लेकिन अब तो बात इनकी मनसा इतनी बड़ी होगी, ये सोच रहे अभी हम राज्यसभा में सांसद बन जाए, हम विधानसभा में जाके विधायक बन जाए, मुख्यमंत्री तक के सपने लेने लग गए। ये आदमी सच्चाई में ये है, ये किसान है ही नहीं, ये सूदखोर और आड़ती है। बलबीर सिंह राज्यवाल का अपनी कार्ड निकाल लो, गुरनाम सिंह चढ़ूनी का निकाल लो, ये सूदखोर आड़ती लोग है और बिल्ली के भरोसा दूध छोड़ दिया। जब ये दुर्भाग्य की बात, आज 750 किसान शहीद करवा दिए इन लोगों ने, ये सारे का सारा इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जो ये तथाकथित किसान नेता है, जब इस बात का हल निकलेगा। अरे मथाना जी, 500 किसान संगठन है, अगर वो कोई 10-15-20 संगठन अगर चले गए वहां उधर, वो अलग मामला है। 500 किसान आप निकाल लो उनको बाहर, के हमसे बाहर निकाल दो, ध्यान दो आप भी, हमने गुरनाम सिंह चढ़ूनी बलबीर सिंह राज और राकेश टिकैत को तो कल पगड़ी पहना रहे थे हम, क्यों पहना रहे थे? आपने राकेश टिकैत को पगड़ी पहनाई, वो क्या चीज था? वो यूपी में राजनीति कर रहे, ऐसे लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा, तभी किसानों का भला होगा। हुड्डा साहब राजनीति करेगा तो बाहर जाएगा, सीधी बात है। जब आपने आज मीटिंग करी सबसे पहले यही बात का ऐलान करना चाहिए था ना, राकेश टिकैत तो चुनाव लड़ चुके, बाकायदा चुनाव लड़ चुके, पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ चुके, गुरनाम चंदूनी भी लड़े हुए चुनाव, और आप कह रहे हैं कि नहीं ठीक है अब वो लड़ रहे हैं तो हम उनको बाहर कर देंगे, यही बात तो बार बार पहले से पहले दिन से कह रहे हैं। जनवरी की जो बैठक हुई थी उसमें बाहर कर दिया। नहीं, मेरी एक बात और कहने की, आयुष जी इन्होंने ना जो 5 आदमी सरकार ने मांगे हैं जो संयुक्त किसान मोर्चे के, आपस में इसमें भी जुतियों में दाल बटी हुई है इनकी, वो कह रहा मैं मेंबर बनूंगा, उन 5 मेंबर कमेटी का वो कह रहा मैं मेंबर बनूंगा, इनका बहुत ये अगर अंदर खाते इनकी जांच की जाए, ईडी से जांच की जाए और इनके बैंक खातों की डिटेल निकलवाई जाए, विदेशों से फंडिंग कर रखी है इन लोगों ने, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, इनके तार विदेशों से मिले हुए हैं, कोई गलत नहीं कह रहा ये बात भी, ये पाकिस्तान से है या चीन से या उधर से मिले हुए हैं, ये सारी की सारी फंडिंग है किसानों के नाम पे, लूटने की एक साजिश है और इससे किसानों को बचना पड़ेगा। ठीक है गर्ग साहब, सरकार अपना वायदा पूरा कर, बोले वाले किसान है, अपने किसी लड़ाई में पसरे में नहीं पड़ना, सारे किसान तकलीफ के अंदर है, सरकार को तुरंत प्रभाव से उनको मुआवजा देना चाहिए, और एमएसपी की जो कमेटी बनानी है वो कमेटी बनाए, जो हजारों किसानों पर मुकदमे दर्ज कर रखे हैं किसी प्रकार की वो अड़चन नहीं है, तुरंत प्रभाव से उस सरकार को वापिस लेने चाहिए। मगर सरकार क्या है, सरकार की पॉलिसी है आपसी भाईचारा खराब करवाना। आपने देखा है हर जगह जहां भी कोई आंदोलन होता है
व्यापारी का आंदोलन है वहां घुसपैठ करना, मजदूर के आओ तो वहां घुसपैठ करना, किसानों का आओ तो वहां फूट घेरना। इन्होंने जिस आंदोलन शुरू हुआ उस दिन से आखिरी टाइम तक केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार फूट घेरने में लगी रही, किस्ता भाईचारा खराब हो। ये तो इनकी किस्मत अच्छी थी, किसानों में फूट नहीं पड़ी, भाईचारा करके इन्होंने लड़ाई लड़ी, एक मंच पर लड़ाई लड़ी, जिसके अंदर ये विजय हुई है, जीते। मेरे साथी वीरेंद्र जी उन्होंने कहे थे कि हमने फल और सब्जी पर मार्केट फीस समाप्त कर दी। मैं उसको जवाब देना चाहता हूं, मार्केट फीस फल और सब्जी पे आपकी सरकार ने लगाई थी, एक साल में 19 करोड़ रुपए सिर्फ मार्केट फीस आती थी, इसकी रिकवरी के लिए 30 करोड़ रुपए खर्च होते थे। सरकार खुद लगाती खुद हटाती है। सरकार ने हाल ही में धान के ऊपर मार्केट फीस 1% थी, उसको बस 300% मार्केट फीस बढ़ाकर 4% मार्केट फीस कर दी। भाई जवाब है क्या? करोड़ों अरबों रुपए मार्केट फीस में बढ़ोतरी करी है। जहां तक बाजरा का एमएसपी 2250 है, 1100-1200 रुपए क्विंटल बाजरा मंडियों में आज भी रुल रहा है। धान 1960 रुपए धान का रेट है, वही धान 1400-1500 रुपए मंडियों में आज रुल रहा है। चलिए आज किसान वाले मुद्दे पर ही रहते हैं, क्योंकि बजरंग दास गर्जी पुरानी बातों में जाएंगे तो फिर वो अभी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश आपने लागू क्यों नहीं की, कांग्रेस राज में आप लोग कितनी फसलें एमएसपी पर खरीदते थे, उन सब विषय में हम लोग उलझ जाएंगे। वो डिबेट तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि लगातार 382 दिन से हम लोगों ने यही किया है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई किसान और सरकार के बीच में जो बातें हैं उस पर सहमति बन क्यों नहीं रही। रेडू साहब, पहले मैं रेडू साहब इनेलो तो कुछ कह ही नहीं सकती ना, क्योंकि कंडेला कांड का जिक्र होता है और बार बार होता है, मैं चाह रहा हूँ उसका जवाब दीजिए पहले। ठीक है, एक सेकंड रेडू जी चुनाव है। 2004 तक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की हरियाणा प्रदेश में सरकार, 2004 से 2022 आगे 18 वर्ष जा चुके हैं। आज का जो मुद्दा है, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, कंडेला नाम का कोई एपिसोड हुआ ही नहीं था, कंडेला नाम का कोई कांड नहीं हुआ था। बहुत सारी डिबेट में मैं इसका जवाब दे चुका हूँ, लेकिन बीजेपी वाले कहीं ना कहीं अपने मुद्दे से भटकाने के लिए देश को कुछ ना कुछ उठाने का प्रयास करते हैं, वो इतिहास की बातें उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वर्तमान से भागने का। आज जो मुद्दा है ताकि किसानों के साथ जो समझौता हुआ करेंगे कि नहीं करेंगे, मेन मुद्दा ये है। आप कभी अपने पक्ष उतारने जाते हैं, कभी छोटे भाई कभी आप चुनाव लड़ने लगे, सरकार ने किसानों के साथ जो वादा किया वो वादा आप निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं, कौन चुनाव लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा है उसका कोई मुद्दा नहीं है। और आपने कहा कि मांगे पूरी करेंगे, 49 दिन हो चुके हैं, आपने जब ये कृषि कानून लागू किए देश में किसी को पता नहीं था, सुबह रे उठते हैं संसद में जाते हैं घोषणा कर देते हैं और एक सेकंडों में लागू हो जाता है। जब आप कानून समाप्त करते हैं तो इतना बड़ा मुद्दा कानूनों को रिपील करने वाला, उसको भी तुरंत प्रकाश पर्व के दिन प्रधानमंत्री जी 8 बजे आते हैं और लागू कर देते हैं। नोटबंदी शाम को 8 बजे घोषणा होती है, रात 9:15 बजे शुरू हो जाती है, इतने बड़े बड़े फैसले सेकंडों में हो जाते हैं। क्या ये कानून जो ये थे मुकदमे वापस ले लेते थे, मुआवजा देना था? एमएसपी की भी बात मैं नहीं मानता कि लॉन्ग प्रोसेस है, एमएसपी की कमेटी बनाना लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, कानून बनाना लॉन्ग हो सकता है लेकिन कमेटी का गठन करना लॉन्ग नहीं है, वो 49 दिन में हो सकता था। देखिए आपकी सरकार का किसान विरोधी चेहरा स्पष्ट रूप से उजागर हो चुका है, पता नहीं क्यों। कृषि प्रधान देश में जहां अन्नदाता महत्वपूर्ण है, अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कोरोना काल में केवल मात्र कृषि क्षेत्र था जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को बचाने का काम किया, फिर भी क्यों आप अन्नदाता के खिलाफ जा रहे हो? क्यों आप अन्नदाता को जो ना बार बार एक तरह से जैसे
आपस में चिढ़ाते हैं ना, चिढ़ाने वाले व्यवहार आप अपनाए हुए हो, केलो हारने वायदा क्या नहीं मानते, कर लो क्या करोगे, क्यों इस तरह की भाषा का व्यवहार प्रयोग कर रहे हैं किसानों के साथ। नेहरा जी आप कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं इस पर काम और धीरे धीरे इसका जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा, लेकिन किसानों ने तो विरोध की बात कह दी ना, 31 तारीख से तो वो प्रदर्शन शुरू कर देंगे दोबारा से। देखिए सुरेंद्र जी, जैसे आज बैठक में 4-5 लोग आए थे, विरोध भी उसी तरह का होने वाला है, आप देख लीजिए कैसा होगा। इनमें आपस में बात है, वहां तो एक आदमी आपने वायदा किया उसका क्या कर रहे हो, इसका मतलब नहीं है सुरेंद्र जी, आपने फूल गिरवा दी क्या, आप क्या कर रहे हो, आप बात हो, आप सारी शर्त रहे थे किसानों फूट गिरने की, वो फूट गिरवा दी, इसका मतलब ये हुआ आपको पता भी 4-5 आदमी आए, बाकी आपको आपका मतलब यही हुआ मेरे। ठीक है नेहरा जी को जवाब दे दीजिए, जवाब दीजिए नेहरा जी, आप घर का थोड़ा उम्र का लिहाज करिए, ज्यादा बीपी हाई हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी आपको, तो चिंता ना करो, बीपी होता ही नहीं है। 2006 से लेकर 2014 तक डॉक्टर साहब आप नोट कर लीजिए मेरे सवालों को, आप जवाब दे देना, तो आपको किसानी की जानकारी नहीं है। 2006 से लेकर 2014 तक आपने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्टों को लागू कर सब क्यों नहीं किया, इसका जरा जवाब दे रहे गुरु जी, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी उस कमेटी का मेंबर था और वो गीत गाता था कमेटी के, पूछ लो नरेंद्र मोदी जी से, आप उनसे पूछो ना, आप कमेटी के मेंबर थे, आपने क्यों नहीं काम किया, आप हमसे क्यों पूछो, प्रधानमंत्री जी से पूछो, प्रधानमंत्री कौन सी फली फोड़ दी, नेहरा जी ठीक है चलिए, भरोसा किसान को क्यों नहीं है नेहरा जी, अभी भी किसान संगठन को भरोसा नहीं है, स्थगित करने के बाद 31 तारीख से विरोध प्रदर्शन की बात उन्होंने कही है, भले 2 किसान आए या 4 आए लेकिन उनको भरोसा नहीं ना आपके ऊपर, वो तो ये कह रहे हैं कि आप वादा पूरा नहीं करने वाले, क्योंकि 49 दिन हो गए, कुछ तो करते आप, लेकिन 49 दिन में आपने एक काम भी नहीं किया। जो जो कमिटमेंट हमने किए हैं, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि हम वो सारी पूरी करेंगे, हरियाणा प्रदेश के किसान को हमारे ऊपर विश्वास है, और हमने जो काम किया है, मैं सुरेंद्र जी 5 फसल आपको बता सकता हूँ कि देश की आजादी से लेकर कांग्रेस शासनकाल में 7 साल के अंदर उतने रेट नहीं बढ़े जितने हमने बढ़ाए, मैं अभियान पर के तौर पर बता दिया, 250 बोलो कितनी गाड़ियां भरवानी है, धान की 1960 एमएसपी 1400 रुपए 1500 में कितना धान लेना है, क्या बात करते हो, किसान तो आपने लुटवा दिया, आप कहते हो हम ये करने जा रहे, एक तो बाजरा बोल रहे हो आप, कितना बाजरा का रेट 3500 रुपए हो चुका है, इसमें हमने 2000 रुपए बढ़ाने का काम किया है 7 साल के अंदर, गेहूं का रेट था उस समय 1300 रुपए, 715 रुपए हमने 7 साल के अंदर बढ़ाए हैं, आज रेट है 2015 रुपए गेहूं का। अगर धान की मैं बात करूं शुभेंदु जी, 1300 रुपए का रेट था उस समय धान का, आज हमने 640 रुपए 7 साल के अंदर बढ़ाए हैं, आज 1940 रुपए 1960 रुपए का धान का रेट है, चलिए ठीक है, अब इसी आरोप प्रत्यारोप की भी चर्चा मुझे यही समाप्त करनी पड़ेगी, मेरे पास समय नहीं, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने समय निकाला, चर्चा का हिस्सा बने, हालांकि 49 दिन के बाद भी अब किसान ये कह रहे हैं कि उनकी जो मांगे थी, उनकी जो डिमांड थी, उस पर सहमति नहीं बनी है, इसलिए हम इस पर विरोध करेंगे, अब देखना यह है कि इसका हल या रास्ता अब सरकार क्या कुछ निकालती है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।